देखो जरा ये कहाँ पे चढ़ के बैठ गई है, देखो अब से ऐसे चढ़िए यहाँ से। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस शुरू करते हैं आज का व्लॉग, और आज का व्लॉग शुरू करने से पहले लूँगी मैं अपने कुछ कमेंट जिनके जवाब मैं नहीं दे पाती हूँ। गाइस आप लोगों को पता है बिज़ी बहुत ज़्यादा रहती हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब नहीं दे पाती हूँ। पढ़ती ज़रूर हूँ लेकिन जवाब नहीं दे पाती हूँ, तो आज मैं आपको आपके कमेंट का जवाब देती हूँ। तो गाइज़ एक मुझे कमेंट किया है कि हमारे लिए भी दुआ करिएगा कि हमारे ज़िंदगी में भी ऐसे ही खुशियाँ आएँ। तो मैं अपनी सारी YouTube फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, सभी को जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ दुआ करती हूँ, तो आप लोगों को भी याद रखती हूँ और आपके हक़ में भी दुआ करती हूँ। मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जिस तरह से आपने मुझे इतनी खुशियों से नवाजा है और जिस तरह से मैं खुश रहती हूँ, मेरी पूरी YouTube फैमिली इसी तरह से खुश रहे और मुझसे जितने भी लोग जुड़े हैं वो सब लोग खुश रहें और उनकी भी ज़िंदगी खुशहाल हो, बस यही दुआ करती हूँ। तो गाइस जिस तरह से आप लोगों को मेरे ब्लॉग का इंतज़ार रहता है ना, उसी तरह से मुझे भी आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है कि आप भी मुझे प्यारा सा कमेंट करें और मैं पढ़ूँ और खुश हो जाऊँ। तो बस इसीलिए हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल आपके साथ शेयर करते हैं कि आपको हमारी लाइफ में क्या क्या अच्छा लगा, आप लोग ज़रूर बताइए कॉमेंट करके। तो फिलहाल अभी शुरू करते हैं आज का व्लॉग और दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है और हमारे कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है हमारे घर में। और गाइज आपको ये व्लॉग कब मिलेगा कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरे पास काम इतने ज़्यादा हैं कि वीडियो को ना प्रॉपर एडिट नहीं कर पा रही हूँ और टाइम पे अपने ब्लॉग नहीं आप तक पहुँच पा रहे हैं मेरे, और अपने वीडियो को टाइम से मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ इसलिए। तो गाइज फिलहाल अभी आज का और कल का आपको व्लॉग देखने को मिलेगा चेल्लम का। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का व्लॉग, बने रहें मेरे साथ हमारे नए मेहमान के साथ। तो ये देखें गाइस कितना ज़्यादा पानी है, इतनी बारिश हो रही है ना कि पानी अंदर तक आ गया है, और अभी आगे भी दिखाती हूँ आपको कि आगे कितना पानी है। कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि पूरा आंगन आगे पीछे का लबालब, ये देखो कितना पानी भरा हुआ है, पूरे गार्डन में पानी भरा हुआ है, बस थोड़ी देर में अंदर भी आने वाला है ये। बारिश अगर लगातार होती रही ना तो पानी अभी अंदर भी आ जाएगा, और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मैं क्या करूँगी, मेरे काम वैसे ही ज़्यादा हैं अब और बढ़ जाएंगे। तो गाइस डिलीवरी से पहले सारे घर की क्लीनिंग की थी मैंने, और आते ही फिर से सारे घर में धूल मिट्टी और जाले लग चुके हैं। 5 दिन में घर में बहुत ज़्यादा जाले और धूल मिट्टी हो गई है, तो वहाँ से लौटने के बाद फिर से सारे घर की क्लीनिंग कर रही है, सुबह से शाम हो जाती है, मेरे काम खत्म हो चुके हैं। तो गाइज़ अल्लाह का शुक्र है कि मैं जिस बात से डर रही थी वो नहीं हुआ, मतलब कि बारिश बंद हो गई है और पानी अंदर नहीं आया है और मेरी चल रही है क्लीनिंग। ये हमारी अपनी जगह आई थी मेरे लिए, उनकी शादी के बाद वो घूमने गई थी ना माउंट आबू, तो वहाँ से लेकर आई थी मेरे लिए, वो हमारी पूरी फैमिली के नाम है इसमें। छोटी अपनी की कॉलेज टाइम की, जब वो फार्मेसी कर रही थी तब की है। आपके साथ बन रहा है मेरा खाना, तो खाने में बनाया है आज खट्टा मीठा कद्दू, तो कद्दू की सब्जी बन रही है। फिर जब भाभी घर चली गई है, लेकिन फिर भी मैं मुझे तसल्ली नहीं आती है, तो मैं फिर से झाड़ू वगैरह लगाने लग गई हूँ, क्योंकि कूड़ा वगैरह हो जाता है। वो आती हैं सुबह 7:30 के टाइम पर, वो आ जाती हैं क्लीनिंग के लिए कपड़े वगैरह धोने। तो उस्मान की डिलीवरी से पहले ही मैंने उनको बात कर ली थी और उनसे बोल दिया था कि जब हम उस्मान को लेकर जाएंगे तो आप आना शुरू कर देना, क्योंकि घर पे मैं नहीं रहूँगी तो पीछे से बच्चों के कपड़े, मम्मी के कपड़े कौन धोएगा, मैंने उनको लगवा लिया था। तो बस गजे भाभी ने फिर से आना शुरू कर लिया हमारे यहाँ। बीच में कुछ दिन पहले मैंने उन्हें हटा दिया था, मम्मी को करना हुआ था उस टाइम पर, लेकिन अभी वापस से बुला लिया है, और अभी बस क्लीनिंग वगैरह वो कर जाती है, कपड़े वगैरह धो जाती है, और बाकी ये काम खाने वगैरह के उस्मान के बच्चे के सारे मैं देख लेती हूँ। वो बस अभी थोड़ी सी झाड़ू वगैरह रह गई है तो वो लगा लेती हूँ, थोड़े से जाले वाले निकाल लेती हूँ। फ्रिज वगैरह फिर से गंदा हो गया है, सारा घर मुझे इतना गंदा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सारे घर की क्लीनिंग फिर से कर लूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहुत कम टाइम है मुझे सारे काम करने हैं, तो उस्मान को भी देखना पड़ता है बीच बीच में, तो कर लेती हूँ फटाफट। तो जाले वगैरह तो मैंने निकाल लिए हैं, अभी आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। अभी आ गई हूँ कपड़ों को फोल्ड करने के लिए, कपड़े हमारे सारे सूख गए हैं, तो मैंने सोचा है कि इन्हें भी तय लगा के रख लेती हूँ, तो बस कपड़ों को फोल्ड करूँगी और उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। उस्मान का भी खाना दे दिया मैंने, उस्मान का नाश्ता हो गया था, अभी उस्मान खाना खा रही है,
और आज ना मुझे नहाने के बाद करना है, हमारे नन्हे मेहमान के लिए नेपी बनाना है, तो वो बनाना रह गए हैं, वो नहीं बना पाई हूँ मैं। हमारे यहाँ पर ना गाइस नए कपड़े नहीं पहनाते हैं और पहले से बिल्कुल भी स्टिचिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा है कि अभी मैं थोड़ा सा आज थोड़ा सा फ्री हूँ क्योंकि मन भाई भी चले गए हैं, तो ज़्यादा कोई काम नहीं है मुझे, तो सोच रही हूँ कि ये काम भी कर लूँ। थोड़ी सी लगा को प्रॉब्लम हो रही है, उसको चेंज में कराने की दिक्कत आती है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो नेपी भी बना लेती हूँ और मैं डायपर ज़्यादा नहीं लगवा रही हूँ, सिर्फ रात में लगाते हैं हम लोग उसको, कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बच्चों की स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और अगर हम हर टाइम उसको लगा कर रखते हैं ना तो बच्चों को भी दिक्कत होती है और उनकी स्किन भी ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं बना लेती हूँ। तो हम लोग दिन में ना उसको नेपी वगैरह बांधेंगे और रात के लिए हम डायपर रखेंगे। बस करती हूँ फटाफट से इन कामों को और फिर करती हूँ सिलाई। तो अभी आ गई हूँ पानी की बोतलें भरने, क्योंकि कल से हमारे यहाँ पानी नहीं था, सारी बोतलें खाली पड़ी थी और सबको लग रही थी प्यास मेरी जरूर की, तो मैंने सोचा नहाने से पहले पानी वगैरह भी भर के लगा देती हूँ फ्रिज में, पानी आ गया था हमारा पीने का, तो बस वही भरने आ गई हूँ। कपड़े वगैरह तो हमारे फोल्ड हो गए हैं, बस नहाना बाकी है मेरा, बार बार बोल रही हूँ लेकिन नहाना नहीं जा पा रही हूँ, कुछ ना कुछ काम लग जाते हैं तो लौट आती हूँ, बाथरूम तक जाती हूँ फिर कुछ काम आ जाता है तो फिर लौट आती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे यहाँ बहुत रौनक है, हमारे नन्हे मेहमान की किलकारियों से हमारा घर गूंज उठा, बहुत अच्छा लग रहा है। रेहान पान भी बहुत खिलाते हैं उसे। तो गाइस सारे कामों से हो चुके हैं फ्री, रेहान मेरी स्लीपर निकल, और अभी मैं जा रही हूँ रूपा सिस्टर के घर उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, उनकी वजह से हम बहुत अच्छी तरह से उज़्मा की डिलीवरी हो गई है, अगर वो हमें सही सलाह नहीं देती, सही गाइड नहीं करती तो न जाने क्या होता। तो फिलहाल मैं अभी उनके घर जा रही हूँ उन्हें थैंक यू बोलने के लिए और उनका मुँह मीठा कराने के लिए, क्योंकि आंटी ने बोल दिया था कि बेटा जो भी हो ज़रूर बताना और मिलने ज़रूर आना, तो बस मैं अभी उनसे मिलने जा रही हूँ और उन्हें थैंक यू बोलने, तो चलिए चलते हैं उनके घर पर। आओ बेटे जल्दी आओ, लेट हो रहे लगाओ फरान, जाके आते हैं अभी है ना। तो बस अभी हम दोनों माँ बेटे पहुँच चुके हैं संजय कॉलोनी और आ चुके हैं भाभी के घर। ज़्यादा देर नहीं रुकी मैं भाभी के यहाँ, क्योंकि मुझे खाना वगैरह बनाना था इसलिए, और उज़्मा को छोड़कर गई थी मम्मी ये लोग अकेले हैं घर पे, तो बस फटाफट से उनका मुंह मीठा करवा के उन्हें थैंक यू बोलकर लौट आई हूँ। जेरी चलो अंदर, ये जेरी जेरी शो क्यों होती है, जेरी क्यों होती है पाली बच्ची, जेरी यही बोल दिया शुक्रिया उनको, दिया भाई सब भी आ गए थे, हम लोग निकल रहे थे वो आए खाना, नहीं मैंने बोल दिया था भाई साहब अभी मीठा हम कर लेना। हाँ अभी जा रही हूँ नन्हे मेहमान का ब्लड देने के लिए, क्योंकि इसका ब्लड सैंपल लेने आए हैं, जा रही हूँ लेकर। तो बस भैया आ गए हैं हमारे नन्हे मेहमान का ब्लड सैंपल लेने के लिए, और ये भैया जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, हबी जी के एक कॉल करने पर घर आ जाते हैं हमारे सैंपल वगैरह लेने के लिए। और अभी मैं खाने वगैरह से फ्री होकर निकल आई हूँ मार्केट हमारे नन्हे मेहमान के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए। अभी मैं आई हूँ हमारे नन्हे मेहमान के लिए ड्राई शीट लेने के लिए, और कलर नहीं है भैया, कलर मिल जाएगा साइज, कलर दिखाना है इसके, कलर ये है तो ये वाला खोलना भाभी, ये अच्छा लग रहा है, क्वालिटी तीनों की एक ही है। तो गाइज आ चुके हैं मार्केट से, दिखाती हूँ क्या क्या लेकर आई हूँ मैं हमारे नन्हे मेहमान के लिए। तो ये लिए है मैंने ड्राई शीट रेड कलर की, मेरा फेवरेट, ज़्यादातर चीज़ें हमारे नन्हे मेहमान पे रेड कलर की दिखेंगी आपको क्योंकि मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। और एक मैंने लिया है ये टॉवल जो कि लग रहा है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, हमारे नन्हे मेहमान जितना खूबसूरत है ये देखें, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। और लिए है मैंने उसके ये
डायपर, ये डायपर का पैकेट लेकर आई हूँ, और एक लिया है मैंने उसके लिए ब्लैंकेट, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमारे नन्हे मेहमान को। ये देखें वो मेरे साथ सोता है, तो उसको मैं ये उड़ा कर सुलाऊंगी। देखो उसमें कैसा है, देखो कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, देखो कलर बहुत प्यारा लग रहा है। कलर बहुत प्यारा लग रहा है। तो बस गाइज़ अभी मैंने इतनी शॉपिंग की है, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत छोटी मोटी शॉपिंग मेरी चलती रहेगी हमारे नन्हे मेहमान के लिए। और सॉरी मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ मैंने आगरा से क्या शॉपिंग की थी। तो मैंने वहाँ से लिए थे उसके लिए तीन सूट लिए थे ना, उसमें तीन सूट लिए थे और एक छोटा सा वैसे ही टॉवल टाइप ले लिया था काम चलाऊ, और एक प्लो लिया था उसके लिए, और कैप वगैरह लिए था, कैप वगैरह लिया था मैंने, ये सारा सामान। तो बस ये सारा सामान लिया था मैंने वहाँ से। और फिलहाल अभी ये है, कैसी लगी हमारे नन्हे मेहमान की थोड़ी सी छोटी सी शॉपिंग बताइएगा मुझे कमेंट कर। तो फिलहाल बस अभी खाना पीना खाते हैं। मैं आज बन रही है बैगन आलू की सब्ज़ी, यम्मी टेस्टी। देखें यहाँ पर फातिया के लिए बनाऊंगी खीर, तो खीर के लिए मैंने दूध को उबलने के लिए रख दिया है, जब ये आधा हो जाएगा तब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। और खीर किस लिए बना रही हूँ बता देती हूँ, तो खीर बना रही हूँ मैं, आज चैलम है तो हमारे यहाँ प्यालियाँ भरी जाती हैं, तो बस उसी के लिए। यहाँ पर हमारा शरबत भी बनकर रेडी हो गया है, खाना भी बन गया मेरा और शरबत भी बन गया है, और तो हमारा फातिया का सारा कुछ रेडी हो गया है। और यहाँ पर मैंने मिट्टी के बर्तनों को भी धोकर रख लिया है, भी मैंने लेकर जा रही हूँ बैठक में न्याज का लगाने के लिए। तो चलें, तो यहाँ पर मैंने ये देखें सारा कुछ रेडी करके रखा है, बस मुझे प्याली लगाना है। देखें सारा कुछ लगा दिया मैंने फातिया का। गाइस सुबह जब मैं सोकर उठी थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, मैं सोच रही थी कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, कामों को मैनेज करना है, फातिया का बनाना है, कैसे बनाऊंगी, कैसे बन पाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सारा कुछ टाइम पर बन गया है, सारा कुछ फातिया का रेडी हो गया है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर, और हमारे नन्हे मेहमान को पता चल गया कि बड़ी मम्मा वीडियो एडिट कर रही हैं, तो उसने रोना शुरू कर दिया। कैसे देख रही है बैठी बैठी। तो सारा कुछ फातिया का मैंने लगा दिया है, और बस फातिया लगना बाकी है, और देखिए ताजिए भी यहाँ पर निकलना शुरू हो गए हैं, कुछ हमारे घर के सामने से निकलेंगे और कुछ उधर की साइड से ही निकल जाएंगे। तो दिखाती हूँ जितने भी ताजिए निकलेंगे ना, वो सारे हमारे घर के आगे से, तो वो सारे मैं आपको दिखाऊंगी, तो बस बने रहे मेरे व्लॉग में। और गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, जल्द लौट कर आऊँगी इसी तरह से एक नए व्लॉग के साथ, हमारे नन्हे मेहमान के साथ और हमारी प्यारी जेरी के साथ। तो बस बने रहे मेरे व्लॉग में, व्लॉग को पूरा वॉच करिएगा, और देखें कितने बड़े बड़े ताजिए निकल रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत इमारत है। तो बस गाइज़ अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।